वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास क्या है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड एज डायरेक्टेड। फैक्टराइज करना है और डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो डिवाइड साइन से पहले है उसको ऊपर राइट कर देना, जो डिवाइड साइन के बाद है उसको नीचे राइट कर देना। डिवाइड साइन से पहले है मेरे पास 12xy और ब्रैकेट में है 9x² माइनस 16y² और डिवाइड साइन के बाद जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4xy और यहाँ पर है 3x + 4y ब्रैकेट क्लोज। 12 के फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 12 के आ जाएंगे 2 6 टाइम, 2 3 टाइम और 3 1 टाइम, 2 2 3 ये फैक्टर्स आ गए। तो मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी 2 × 2 × 3। एक्स और वाई है तो एक्स को और वाई को भी इस तरह से कर देते हैं राइट, ताकि फिर हम कट करें तो इजी हो जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 4 है तो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 और एक्स वाई है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 3x + 4y, इसको वैसे ही रहने देते हैं बिकॉज इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो फिर आगे देखते हैं कि कटिंग हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं किस तरह से करती हूँ, इसको मैं करती हूँ 9x² है ना, तो अगर मैं इस तरह से राइट कर लूँ कि 3x² राइट कर दूँ, बिकॉज 9 है एक्स के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया कि 3x² राइट कर दिया। 3x² इसके इक्वल है कैसे, 3 के स्क्वायर 9, x² x², ठीक है। तो ये चीज़ है तो मैं इस तरह से राइट कर सकती हूँ, और ये है तो मैं इस तरह से भी राइट कर सकती हूँ। माइनस 16y² है तो इसको मैं करूँगी 4y² इससे क्या होगा, बिकॉज 4y² क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और y² 5 square। तो जब ये ओपन होके इस तरह आ सकता है तो ये भी क्लोज होके इस तरह से आ सकता है, तो मैंने इसको इस तरह राइट कर दिया। और मैंने किया क्यों, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। यहाँ पे जितनी कटिंग अगर पॉसिबल है कर लो, अदरवाइज़ यहाँ इस स्टेप में नहीं भी करो तो बाद में कर सकते हो, लेकिन हम कर लेते हैं। 2 2 से कैंसिल, ये 2 भी 2 से कैंसिल, x x से कैंसिल, y y से कैंसिल, तो जस्ट राइट 3 गया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। x y को x y से और 4 1 टाइम, 4 4 कितने टाइम, 12 3 टाइम, तो ये उनके लिए है जो डायरेक्ट ना समझ आ रहा हो। अच्छा जी, ये हमने इस तरह से राइट करना है कि 3x + 4y आ जाएगा और एक दफ़ा 3x - 4y, ये आइडेंटिटी होती है। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से, और जो डिनोमिनेटर में 3x + 4y वो मैं राइट कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आइडेंटिटी राइट कर देते हैं। आइडेंटिटी होती है a का जो होल स्क्वायर है माइनस b का जो होल स्क्वायर है, वो इक्वल होता है हमारे पास a + b और a - b के, ठीक है। a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये जो है ये चीज़ ये है बन रही है, ये चीज़ बन रही है, यस, ये समझ लो पूरा a है उसका स्क्वायर है माइनस, ओके, ये b है और उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, a + b और a - b में राइट करना, मतलब 3x 4y को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा 3x 4y को माइनस के साथ, ठीक है। तो जैसे ये ओपन इस तरह से होता है तो इसको भी हमने इस तरह से ओपन कर देना, ये a है और ये b है, तो फॉर्मूले में a + b है तो मतलब 3x + 4y, और फिर है a - b तो 3x - 4y आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि स्टेप में कट कर देते हैं जितना पॉसिबल है। तो हमें पता है कि जब हम कट करते हैं तो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, ये इससे ही होगा। जब ऊपर नीचे कट करते हैं तो साइन का भी सेम होना ज़रूरी है, इन दोनों इस तरह से इनका तो सेम होना ज़रूरी है, साइन का भी सेम होना ज़रूरी है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे कट कर रहे हो और इधर प्लस है इधर माइनस है कट कर रहे हो, फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके पास जस्ट रह गया 3 और यहाँ पर रह गया 3x - 4y और ये सॉल्व हो गया। अगेन देख लो क्या किया, इसको ऊपर राइट कर दिया, इसको नीचे राइट कर दिया और 4xy को मैंने इस तरह से एक्सपेंड कर दिया 2 × 2 × x y और ये 12 को 2 × 2 × 3 × x y। फिर 9x² - 16y² था तो इसका होल स्क्वायर कर दिया और इधर वैसे ही आ गया। फिर ये a² - b² जो फॉर्मूला है जैसे ओपन होता है वो मैंने किया a + b a - b में, ठीक है, मतलब 3x + 4y और 3x - 4y। फिर ऊपर नीचे सेम कट हो गया, जो रह गया वो आंसर आ गया। ये आप कंप्लीट नोट कर सकते हो, होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।